ব্লিচিং পাউডার বোঝাই ট্রাকে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য। সোমবার সকালে আসানসোল কুলটি থানার চৌরাঙ্গি ফাঁড়ির অন্তর্গত দামাগড়িয়া রেলব্রিজ সংলগ্ন 2 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে লাইন হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আগুনের ঘটনাতে এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনাটি সোমবার সকালে দামাগড়িয়া রেলব্রিজের সংলগ্ন একটি লাইন হোটেলের সামনে হঠাৎ ট্রাকটিতে আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ট্রাকটিতে ব্লিচিং পাউডার বোঝাই ছিল বলে জানা যায়। অল্পের জন্য রক্ষা পায় ট্রাকের চালক। ট্রাকটি রাজপুরা থেকে ব্লিচিং পাউডার বোঝাই করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানান গাড়ি চালক। ঘটনাস্থলে চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে খবর। रात 1 बजे आके यहाँ खड़ा किया मैंने। इधर रोटी रोटी खाते हैं होटल पे, तो होटल वाला बंद था होटल। हम सो गए गाड़ी में, उसी टाइम तुरंत मालूम ही नहीं चला कैसे आग लग पकड़ लिया इसको। कहाँ से आ रहे थे गाड़ी? राजपुरा से लोड करके लेके आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे। गाड़ी में कौन सामान है? गाड़ी में कौन चीज लोड थे? इसमें ब्लीचिंग पाउडर था। चला नहीं कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन हमको उसी टाइम मालूम चला जब आग पकड़ लिया पूरा। हम बीच में सोए हुए थे गाड़ी के अंदर में, डायमंड में है नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ, आग ही लगा। अब कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो अभी ईश्वर से बताएगा, ये पर बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ। अभी हम तो क्या बता सकते हैं अभी कितना नुकसान है। गाड़ी का तो पूरा नुकसान है, पूरी गाड़ी तो पूरा डैमेज हो गया, पूरा जल गया, टायर भी जल गए, पूरा गाड़ी खत्म हो गया। आपका नाम? मेरा नाम कश्मीर सिंह। आप कौन है गाड़ी का? हाँ ड्राइवर है। हम लोग सोए थे तो 2 नंबर रूम में सोए थे। हम लोग उठे जब ब्लास्टिंग का आवाज़ फुकस के हुआ, तो हम लोग, हमारा मैन मालिक है, वो जगे। वो जगने के बाद जब वो उठे भाग के आए तो उसको दरवाजा में टक्कर हुआ, तो सर फट गया यहाँ से यहाँ तक। वो भी उस पर आए, फिर हमको उठाया, आप स्टाफ लोग को उठाया, सबको भगाया, फिर आया तो इनको उठाया, दरवाज़ा पीट पीट के इनको उठाया, फिर ये उठाया, फिर इधर भाग के गया। फिर उसके बाद सामान वामान निकाला, फिर काट के बाहर किया। फिर करने के बाद फिर फायर ब्रिगेड का फ़ोन किया गया पेट्रोल पंप वाले। फिर पेट्रोल पंप वाले फ़ोन करने के बाद 45 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड वाला आया, तो फिर उसके बाद आग बुझाया। फिर वो लीक हो के से पता नहीं क्या क्या लिया, लेने के बाद फिर वो चला गया। एकदम एक गाड़ी आया था, गाड़ी में ब्लीचिंग पाउडर जी नहीं, चोट काट नहीं लगाया। एक आदमी खाली वो जब ब्लास्टिंग सुना तो स्टाफ लोग के जगाने के लिए भाग दौड़ किया, तो उसको लग दिया दरवाजे में, तो यहाँ पर गया, रूम में पड़ा हुआ है। आपका नाम और आप कौन? मेरा नाम जयराम। आप कौन है? ये होटल में? हाँ होटल में काम करते हैं। हाँ होटल का मिस्त्री। सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।